हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी बाय स्टडी सेंटर, जहां हम पढ़ते हैं डिफरेंट टॉपिक्स फॉर बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो मैंने आज का टॉपिक लिया है बायोडाइवर्सिटी लिया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी तो इन्वायरमेंटल के लिए इम्पोर्टेंट है ही, और ये प्लस बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, और बीएससी सिक्स सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, सो बायोडाइवर्सिटी मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज फर्स्ट कॉइल्ड बाय, फर्स्ट जिसने कॉइल्ड किया था वो थे ईओ विल्सन थे, 1986 में कॉइल्ड किया था इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द प्लानिट, मतलब हमारे प्लानिट पे डिफरेंट टाइप्स की वेराइटी हैं। ठीक है, द वेराइटी ऑफ द ऑफ लाइफ ऑन अ प्लानिट और बायोडाइवर्सिटी मे बी डिफाइंड टोटैलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज अपनी डाइवर्सिटी पे मिलेंगे, आपको अर्थ में मिलेंगे, हमारे प्लानिट पे डिफरेंट बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारी वेराइटी मिल जाएंगी आपको। इसी को बायोडाइवर्सिटी को अगर हम तोड़ें तो बायो मतलब क्या होता है, लाइफ होती है, सबको पता होगा। सो बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, और वेराइटी मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी। ओके, सो बायो डाइवर्सिटी, बायो वेराइटी, लाइफ वेराइटी, लाइफ वेराइटी हो जाएगी। तो आई थिंक इसका आपको पता चल गया होगा डेफिनेशन क्या होते हैं। देखिए, द वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, अ हाई लेवल ऑफ विच इज यूजुअली कंसिडर टू बी द इम्पॉर्टेंट एंड डिजायरेबल। या फिर कुछ डेफिनेशन से आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगती है वो आप लिख लेना। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी टिपिकली मेजर करते हैं वेरिएशन जेनेटिक्स से, स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल से हम इसको मेजर करते हैं। द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ देयर पॉपुलेशन, द वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ देयर लाइफ फॉर्म्स, द डाइवर्सिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन विद स्पीशीज विद इंटरेक्शंस एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस विद इन्फ्लुएंस परफॉर्म। अब इसमें लेवल्स आते हैं बायोडाइवर्सिटी, कितने लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, तीन लेवल्स होते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सॉरी बाय डाइवर्सिटी होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। इसमें पहला आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, ये डिपेंड होता है, डिपेंडिंग लार्जर अपॉन द बायोटिक रिसोर्सेज और कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम डेवलप इट्स ओन करेक्टरिस्टिक कम्युनिटी ऑफ ये। जैसे इकोसिस्टम का है कि जैसे स्मॉल पॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है इकोसिस्टम प्रोसेस, एंड उसमें क्या होता है कि सेट ऑफ फ्लोरा फौना है ना, डिफरेंट टाइप के रिवर्स होते हैं विच अनदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम से। ठीक है, देखिए है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है, द बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम मे बी कंपोज्ड, जो बायोटिक जिसने भी आप मेरी और स्लाइड्स देखिएगा इन्वायरमेंट की, उसमें आपको कंपेरिजन पता लग जाएगा कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक क्या होता है, जिसमें लाइफ्स होती हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम मे बी कंपोज्ड फ्यू स्पीशीज ओनली, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स विद विच react or interact with each other, maybe a biotic factor influence so. Richness, the richness of a species in an ecosystem is usually referred as a species diversity. आप देख सकते हैं कितनी variety of species हमारे planet में मिल जाती है, बहुत different different type की species मिलती हैं, बहुत type की different species मिल जाएंगी, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फौना हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो, बहुत टाइप की वैरायटी मिल जाती है हमारे प्लैनेट में। जेनेटिक क्या होता है, विद इन अ स्पीशीज देयर इज अ ऑफन फाउंड अ नंबर ऑफ वैरायटी और रेयर स्ट्रेन व्हिच इज साइंटली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वन टू
टू और नंबर ऑफ करेक्टर, शेप, साइज, क्वालिटी ऑफ। जेनेटिक का क्या होता है कि जेनेटिक मतलब क्या होता है कि कैसे, मतलब हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी का साइज़, शेप, सब कुछ डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है। ऐसा तो नहीं होता कि सब एक जैसे ही दिखते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो कैसे जेनेटिक जेनेटिकली भी असर होता है, हर कोई, हर किसी की हाइट अलग है, साइज़ अलग है, फेस अलग है ना। इंसेक्ट में भी अगर हम देखें, इंसेक्ट में भी यही है, एज अ ह्यूमन देखें तो उसमें भी यही आता है, पेट्स में भी देखें, ठीक है। तो दीज डिफरेंस आर ड्यू टू स्लाइट वेरिएशन, वेरिएशन की वजह से होता है। जैन देखिए आप, डॉग देख लीजिए या वेजिटेबल्स है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता है कि एक जैसे दिखे, बट जेनेटिक की वजह से वो उनका शेप, कलर, सब कुछ अलग अलग होता है। अब मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के मेजर प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। द फॉलोइंग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल डिस्क्राइब द अजम्पशंस नीडेड टू प्लान एक्शन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। पहला जो प्रिंसिपल्स होता है, इसमें होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर, लिविंग रिसोर्सेज आर बेटर सोसाइटल चॉइसेस। मैनेजमेंट शुड बी डिसेंट्रलाइज ऑफ लोवेस्ट अप्रोप्रिएट लेवल। थर्ड में इकोसिस्टम मैनेज होना चाहिए विद इन अ लिमिटेड ऑफ फंक्शन। इकोसिस्टम अप्रोच शुड बी इन्वॉल्व ऑल द रिलेवेंट सेक्टर, सोसाइटी और साइंटिफिक डिसिप्लिन। फिफ्थ है इसका डीपन पीपल अंडरस्टैंडिंग, बायोडाइवर्सिटी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और हाउ टू, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, उसका यूज़ अवर बिजनेस ऑपरेशन टू हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, इतना टिपिकल नहीं है, ईजी लैंग्वेज। अब कौन कौन से ऐसे थ्रेड हो रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है उससे। सो वॉट कॉज थ्रेड टू इट। बायोडाइवर्सिटी इज अंडर सीरियस थ्रेड एज अ रिजल्ट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है ज़्यादातर। तो द मेन डेंजर वर्ल्ड वाइड आर द पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में भी इसका असर हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, हैबिटाट कंजर्वेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन होता है, हो रहा है, ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेशन हो रहा है। तो इन सब का कॉज बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट पड़ता है। मेजर थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं। हैबिटेट लॉस हो जाता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मतलब ये मेजर थ्रेट है, मतलब इनसे ज़्यादातर थ्रेट होती है बायोडाइवर्सिटी को। हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओवर एक्सप्लोटेशन हो जा रहा है, ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वर्जन हो रहा है, और ओवर पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन हो रहा है, तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है लॉस। हैबिटेट लॉस भी क्या आता है, इट कैन बी डिस्क्राइब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लॉसेस इट होम, ठीक है। इसमें क्या है कि हैबिटेट लॉस में ये कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका जो होम होता है उसको जब वो लॉस्ट कर देता है, रीज़न ऑफ बिहाइंड क्या क्या रीजंस होते हैं इसके, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्स। मगर आप हार्वेस्ट करते जो जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, वहाँ के एनिमल्स तो अपना घर छोड़ देंगे, है ना। जैसे आप क्या होता है कि जैसे किसी भी फॉरेस्ट को अगर आप काटते हो फॉर इंडस्ट्री किसी भी पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के पर्पज़ के लिए काटोगे, तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ होती है, वो कहाँ जाएंगे, है ना। उनका तो हैबिटेट फॉरेस्ट में ही है ना, अब तुम उनको भी खाली कर दोगे, उनको भी जला दोगे, है ना, फॉर एग्रीकल्चर के लिए या फिर अनदर फैक्टर के लिए कर दोगे, तो फिर वो जो एनिमल्स है, वो जो स्पीशीज है, वो कहाँ जाएंगे। तो एक तरीके का जो उनका होम है वो लॉस्ट हो गया, है ना, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका हैबिटेट है, वो तो लॉस हो गया, अब वो दूसरी जगह आ जाएंगे, है ना। ये होता है, देखो हैबिटेट लॉस इस टाइप के, जैसे आप ब्राज़ील में आपने सुना होगा, आई थिंक 2020 में ही हुआ था ये, कि कैसे ब्राज़ील में जितने भी ट्रीज थे सबको काटा जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे सबका जो हैबिटेट वही था, वो सब लॉस हो गया। जैसे पेड़ देखिए आप स्लाइड्स में देख सकते हैं आप, नेचुरल डिजास्टर टू, जैसे अर्थक्विक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड नेचुरल बर्न, जैसे नेचुरल बुश फायर लग जाता है, तो इन सब का असर जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है।
हैबिटेट लॉस हो रहा है बाय नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, आग लग जा रही है जंगलों में, है ना, तो उससे एनिमल्स का भी, एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्लांट पे भी पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है हमारी एक तरीके की. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, चेंजेस टू द क्लाइमेट चेंज हैज़ बिन ऑब्जर्व अ ग्लोबल स्केल. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एट द सर्फेस एंड मिडल एटमोसफेयर इंक्रीज, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओशन हीट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज जो वाटर वेपर्स है एटमोसफेयर का वो भी इंक्रीज हो रहा है. क्लाइमेट चेंज देखो, आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी हार्मफुल, ये है, कहीं कहीं पूरा ही सूख, कहीं कहीं ड्रॉट हो रहा है ना, कहीं कहीं जो आइस है वो पिघल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन निकलता है, ये सब इफेक्ट करता है हमारे बायोडाइवर्सिटी पे, इनका इफेक्ट होता है. हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत इफेक्ट होता है. ओवर एक्सप्लोटेशन हो रही है. ओवर एक्सप्लोटेशन मीन्स क्या होता है, हार्वेस्टिंग स्पीशीज फ्रॉम द वाइल्ड एट द रेट फास्टर देन नेचुरल पॉपुलेशन कैन रिकवर, है ना. ओवर फिशिंग हो रही है, ओवर हंटिंग हो रही है, फिशिंग हंटिंग बोथ द ओवर एक्सप्लोटेशन, इनको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन. करेंटली क्या है कि अबाउट थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इन डेंजर वर्टिब्रेट आर थ्रेटेंड हो रहे हैं ओवर एक्सप्लोटेशन से, इन डेंजर सीरियसली एज अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशंस. फिर ओवर फिशिंग हो जा रही है, मतलब देखिए आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं सब. रिजल्ट क्या आता है ओवर फिशिंग का, ग्रोथ ऑफ एल्गी, फाइनेंशियल लॉसेस, रिमूवल ऑफ इंडेंजर स्पीशीज, अनबैलेंस्ड फूड चेन को अनबैलेंस करना, तो ये रिजल्ट होता है. इसके मेजर इफेक्ट कहाँ कहाँ से, ज़्यादातर मेजर इफेक्ट्स होते हैं और ओवर पॉपुलेशन के, प्लांट और एनिमल्स, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिड्यूसिंग फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस करना, एलियन स्पीशीज इन्वर्जन, अगर कोई भी एलियन स्पीशीज इन्वर्स करती है तो उसका क्या होता है, प्लांट एनिमल्स पैथोजन एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉन नेटिव इन अर इकोसिस्टम विच मे बी कॉज इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल हार्म पहुँचाते हैं. एलियन स्पीशीज हैज़ बीन इंटेंशनली और अन इंटेंशनली इंट्रोड्यूस लोकेशन रीजन वेयर इट डज नॉट अकर नेचुरली, मतलब एलियन स्पीशीज वो होते हैं जो नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब नेचुरली वहाँ के उस लोकेशन या फिर एरिया के नहीं होते हैं, ठीक है, ये होता है कंजर्व. हम अब इसमें आता है कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. इन सीटू और एक्सीटू आप सबने पढ़ा भी होगा, ठीक है. इन सीटू एक्सीटू में क्या होता है, सीड बैंक, जीन बैंक, पॉलन बैंक, डीएनए में रीस्टोर कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, और पॉपुलेशन कंट्रोल कर सक होगा तभी बायोडाइवर्सिटी भी कंट्रोल होगी. कंजर्विंग थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, कंट्रोलिंग अर्बनाइजेशन कंट्रोल करना, रिव्यूइंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करना. बायोडाइवर्सिटी में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना, टेबल बना लेना. इन सीटू और एक्स सीटू में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है. जैसे इन सीटू में आता है नेचुरल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, टेरेस्ट्रियल मेराइन हो गया, और एक्स सीटू में अगर हम देखें तो होम गार्डन्स हो गया, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है. तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू है या इन सीटू है, पढ़ा होगा तो आप बताओगे एक्स सीटू है. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स सीटू है, इन सीटू है, इन सीटू है. रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एक्स सीटू है, इन सीटू, इन सीटू. अब सोल्यूशन क्या होता है इसका, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैबिटेट को, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को, है ना, और एजुकेटिंग कर सकते हैं, मतलब पब्लिक को हम एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द बायोडाइवर्सिटी की, नेचुरल हैबिटेट कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए. प्लांट, आप प्लांट मोड लगाइए, है ना, प्लांटिंग मोर ट्रीज प्रोवाइडिंग बेटर सॉल्यूशन फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर के लिए बेटर सॉल्यूशन दे सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं. तो आज का जो टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, और पूछते ही हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं यूसीजी में, नेट में भी वगैरह में पूछते हैं, सबका सिलेबस होता है ना बायोडाइवर्सिटी, और प्लस बीएससी का भी है, तो बहुत अच्छा है. ये लिख लेना, आप लोग लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, थ्रेट कैसे होता है,
और कितना इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। ओके ओके, बाय बाय।